चलिए सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार। तो जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। यानी कि आज मैं आप लोगों के साथ एक ग्रामर का बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए, जल्दी करिए और सेशन को इंजॉय करिए, जल्दी लाइव आ जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैब के सेशन को कवर करवाता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको वोकैब के सेशन को ही कवर करवाऊँगा, ग्रामर के सेक्शन को अगले दिन से कवर करवाऊँगा। तो जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए और ये कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों के पास आवाज़ हमारा जा रहा है या नहीं, क्या ये ऑडिबल है, क्या मैं बोल रहा हूँ जो आप सुन रहे हो। अगर आप सुन रहे हैं तो आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। और आज का जो सेशन है वो प्रेपोजिशन टॉपिक का सेशन है, और आज जो चल रहा है वो शायद 20 नंबर क्वेश्चन से कब किया जाएगा। तो जल्दी लाइव आ जाइए, कमेंट आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया। चले ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ और आप लोग उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लोगों को क्या देना है, उत्तर देना, ध्यान दीजिएगा। चले यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एरर को ढूंढना है कि कहाँ पे एरर है, ठीक है, एरर ढूंढना है। और ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि सालू सूड एम एट सालू सालू सूड एम एट, अभी दरअसल दोस्त प्रेपोजिशन टॉपिक चल रहा है, ठीक है, और प्रेपोजिशन टॉपिक में भी प्रैक्टिस चल रहा है एरर का, ठीक है। एट अ बिगर शेयर, एट ए बिगर शेयर, एट ए बिगर शेयर, ठीक है, एट ए बिगर शेयर, चले ऑफ द मार्केट, ऑफ द मार्केट, ऑफ द मार्केट, बस। अगला क्वेश्चन सालू के बाद है दे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दे आर एमिंग फॉर, ध्यान देते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाई द एंड ऑफ द ईयर, बाई द एंड, By the end of the year, आप लोगों को गलती पकड़ना मेरे दोस्त, by the end of the year, आप लोगों को गलत बताना है कि सर कहाँ पे गलती है। आप लोग चाहें तो आप लोग इसको सही भी कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी करिए। The government is aiming at, the government, रुक जाइए, the government is aiming for, द गवर्नमेंट इज एमिंग फॉर, आवाज कैसा पहले वो बता दीजिए। अ 50% रिडक्शन, ए 50% रिडक्शन, ए 50% रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, इन अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोगों को जो भी पढ़ाऊंगा वो समरी मैं तैयार कर दूंगा, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की दिक्कत बात नहीं है। लिखा हुआ सी इज एंग्री एट हर, सी इज एंग्री एट हर, एंग्री एट हर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री एट पुष्पा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, माई मॉम वाज एंग्री एट, माई मॉम वाज एंग्री एट, एंग्री एट सानू, ठीक है, समझिएगा, सानू यस्टरडे नाइट, सानू यस्टरडे नाइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिएगा, द प्रोफेसर वाज एंग्री, द प्रोफेसर वाज एंग्री, द प्रोफेसर वाज एंग्री, ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, दम डरना नहीं, बड़ी मजा आएगा, ठीक है। एट ससंक, एट एट भारती, ठीक है। अगला है आई एम एंग्री, एंग्री विद हर बिहेवियर, हर बिहेवियर,
जवाब दीजिएगा, पूछता है SSC, जल्दी करिए। पहले बता दीजिए मेरे दोस्त की आवाज कैसा है, जल्दी बताइए। गुड, अरे बाप रे बाप। अच्छा सी साहब, पहले सी साहब बता दीजिए कि साउंड कैसा है, ठीक है ना, जल्दी बताइए। एंग्री विद पुष्पा है, गुड मॉर्निंग सलोनी सिन्हा, एंग्री विद साउंड, ठीक है, बहुत अच्छा। पहले बता दीजिए कि आवाज कैसा है, क्या पहले से बोल्ड आवाज है या पहले जैसा ही है, ठीक है, साउंड बोल्ड है या नहीं वो बता दीजिए, ठीक है, जल्दी बताइए साउंड बोल्ड है या नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, तीनों लोग पहले लाइक का बटन तो दबा दीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग प्रिंस, मस्त। सलोनी बता दीजिए पहले से आवाज बेहतर है या पहले जैसा ही है। अच्छा बाइक पे है, ऐसे कैसे हो सकता है सी साहब। ओके सी साहब बता दीजिए, प्रिंस बाबू आप ये बता दीजिए कि आवाज पहले के तुलना में बेहतर है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, ठीक है, जल्दी करिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छा ओके, जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया। ए बउआ, चलिए हम ही बता देते हैं। ए बाबू, यहाँ पे ना बउआ, हम बता देते हैं, एकदम टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। आई एम के साथ यहाँ एट का यूज नहीं होगा, अब तो अब बचपन से एक चीज पर होगा बउआ, आई एम के साथ एट का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आई एम के साथ एट का यूज नहीं होगा। था प्रश्न उठता था किसका यूज होगा, ए बाबू यहाँ पे आई एम के साथ ना बउआ फोर का यूज होगा, काहे यूज होगा, काहे की एक बार डायरेक्ट, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, आई एम के साथ किसका यूज होगा, फोर का, ठीक है, एम फोर समथिंग होता, आगे समथिंग दिया हुआ। अच्छा अब एम के साथ तो यहाँ पे फोर का यूज होना चाहिए सर, अभी तो बताए नहीं बउआ, एम के साथ एट का यूज होगा, ये क्या लोचा है, नहीं आई एम के बाद, देखिए बाबू आई एम के साथ एट का यूज कब होता है समझिएगा, जब इसके साथ कोई जब इसके बाद क्या हो, इसके बाद कुछ भी रहे, ठीक है ना, अगर इसके तुरंत बाद अगर जीरांड हो, देखिए जीरांड है कि नहीं, अगर जीरांड है ना बउआ तो एट का यूज होगा, जीरांड नहीं रहेगा तो फोर का यूज होगा, कहानी समझ में आया, दुकान में जी एमिंग फोर, आप बताइए इस फोर प्रेपोजिशन के बाद ये सब जीरांड है क्या, नहीं सर जीरांड ना है सर, अगर जीरांड नहीं रहेगा तो किसका यूज करेंगे एम के साथ, एट का, कहानी समझ में आ रहा है। अब देखिए एंग्री का एक अलग प्रॉपर्टी है कि अगर एंग्री के तुरंत बाद, ठीक है ना, अगर एंग्री के तुरंत बाद अगर पर्सन आ जाए तो विद, हर माने की, हर माने कोई लड़की, कोई लड़की रहेगी तब पर्सन ही है ना, इसलिए इसके साथ एट नहीं बल्कि किसका यूज होगा, विद का। अब देखिए एंग्री, एंग्री के बाद पुष्पा एक पर्सन है, अगर पर्सन है तो एट का नहीं यूज होगा, किसका यूज होगा, विद का, कहानी समझ में आ रहा है। एंग्री के बाद सानू, सानू क्या है सर, सानू तो कोई आदमी होगा सर, आदमी है सर तो एट नहीं बल्कि किसका यूज होगा, विद का। द प्रोफेसर, ए बउआ देखिएगा प्रोफेसर जो है ना बउआ, यह एक पद का नाम, यह एक पोजीशन है, पेशा है, तो पेशे का नेम के पहले आर्टिकल द लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अगला बउआ, अब बात है एंग्री आया हुआ, तो एंग्री क्या है सर, एंग्री के बाद देखिए भारतीय एक पर्सन है, अगर पर्सन है बाबू ना तो एट का यूज नहीं होगा बल्कि किसका यूज होगा, वेद का, समझ में आ रहा है। आगे बाबू, आई एम एंग्री विद हर बिहेवियर, ए बाबू एंग्री के बाद देखिए बाबू, कई अक्सर हर तो बाबू, हर तो पर्सन नहीं बउआ, हर के बारे में नहीं कहा जा रहा है, का आई एम एंग्री, मैं गुस्सा में हूँ, ठीक है ना, मुझे गुस्सा है, विद हर बिहेवियर उसके आचरण से, उससे नहीं बाबू, मुझे उसके आचरण से, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है आचरण के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए एंग्री के साथ विद नहीं बल्कि क्या लगेगा, एट लगेगा। तो दोस्त पहले आप लोग इसको छापिए, उसके बाद हम इसका एक प्यारा सा समरी तैयार करेंगे, और पिछला वीडियो में, पिछला लेक्चर में कुछ मिस्टेक हो गया था, मैं चाहता हूँ कि उस मिस्टेक को मैं बता दूँ, ठीक है, जल्दी करिए। हाँ रोहित सही है, क्यों नहीं ना, मस्त है यार, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हम, बड़ी बढ़िया, ठीक है, बीचे में गड़बड़ा गया था कुछ दो चार दिन। रोहित बता दीजिए कि पहले से आवाज कैसा है, बढ़िया है या फिर बहुत ही ज्यादा कम है, कम है या फिर बेहतर है, पहले से कम है और पहले से बेहतर है वो बता दीजिए, ठीक है, बोल रहना चाहिए आवाज। चलिए उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब मुझे इसे
चले बहुत बढ़िया सलोनी, मुझे इसे मिटाने में कोई खासा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चले ध्यान दीजिएगा, समझते रहिए ना, बड़ी मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, सब कुछ कंसेप्चुअल होगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी छोटा वाला डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए डिजिटल बोर्ड दो तीन तरह का होता है, ठीक है। एक लैपटॉप में कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है, ठीक है, और एक तो 12 वाला होबे करता था। लैपटॉप में जो कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है ना, वो वाला छोटका तो रास्ते बड़ी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, चलिए सबसे पहले हम आपको एक समरी तैयार कर देते हैं। देखिए पिछला वीडियो में गलती क्या हो गया था, गलती ये हो गया था कि मैंने इनटू का यूज मुझे लिखवाना था और इन के बारे में थोड़ा सा बताना था। मुझे गलती हो गया था कि इनटू के बारे में हम बता दिए थे कि इनटू का यूज, ठीक है ना, इनटू का यूज होता है मोशन के लिए। किसके लिए? इनटू मोशन को दर्शाता है। गलती कहाँ पे हुआ था बता रहे हैं, ठीक है, या फिर मूवमेंट, इसी को कहते हैं मूवमेंट को दर्शाने के लिए। कब? जब कोई चीज अंदर की ओर आता है तो, अंदर की ओर आता है तो, ठीक है ना, तो ऐसे अवस्था में सामान्यतः इनटू का यूज करते हैं। और इन का यूज में हम लिख दिए थे कि इन का यूज डायरेक्शन के लिए होता है, यहीं पे गलती हो गया था। इन का यूज डायरेक्शन, समझ में आ रहा है, जबकि यहाँ पे इन नहीं करना होगा, यहाँ पे टू करना था। पिछला बार हम यहाँ पे इन लिख दिया था, गलती हो गया था, माफ करिएगा, ठीक है। इसलिए देखिए आज के बाद सबसे पहले एक नोटिस सुन लीजिए, ठीक है। अगर कोई लेक्चर में अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया तो सबसे पहले आपको लेक्चर में कमेंट कर दीजिएगा, सर वहां पे गलती हो गया था, अगला लेक्चर में सुधार देंगे, होता है, ठीक है ना, होता है। चलिए दूसरा चीज और क्या कि अगर आपको लगे कि गलती है तो आप अगला लेक्चर जरूर देख लीजिए, पढ़ाते पढ़ाते होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे इन और इन टू लिख दिया जबकि यहाँ पे टू लिखना चाहिए था, ठीक है। तो अगला लेक्चर में इसे सुधारने की प्रयास करेंगे। खैर छोड़िए, देखिए अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, आई एम। सामान्यतः हम जानते हैं कि आई एम के साथ एट का यूज होता है, तो गलती, आई एम के साथ एट भी होता है, फोर भी होता है, ठीक है ना। आई एम के साथ एट कब होता है जल्दी बता सकते हैं आप लोग? जल्दी बताइए, जब इसके बाद कोई जीरांड आए। क्या है? जीरांड आए। अगर जीरांड आएगा तो एट लगेगा, अगर जीरांड नहीं आएगा तो की लगेगा, फोर लगेगा, ठीक है ना। अगर जीरेंड नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? फोर आएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला, ए बाबू एंग्री का प्रॉपर्टी आप लोग सबको पता है बाबू, एंग्री का, सर एंग्री के साथ एट भी आता, एंग्री के साथ बीद भी आता। एट कब लगेगा, बीद कब लगेगा? जब समथिंग की बात हो तो एट लगेगा, जब समबडी की बात हो तब। अरे बउआ पहले सुना हो, समबडी का मतलब जानते हैं क्या होता? समबडी का मतलब पर्सन होता, समबडी कहने का मतलब क्या हुआ? पर्सन, ठीक है ना। अगर पर्सन आएगा तो बीद आएगा, पर्सन नहीं रहेगा तो एट लग जाएगा। अच्छा समथिंग माने नहीं समझ में आया, माने थिंग, समथिंग मतलब खाली थिंग, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। पहले यहां तक लिखिए, उसके बाद फिर हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक है, जल्दी करिएगा। कुछ एरर दे देते हैं, ठीक है, जल्दी। आई नहीं सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? इराइस क्या होता है सर, पता नहीं लग रहा। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है सी साहब, मजा आ जाएगा, तुम टेंशन नहीं लीजिए, देखते रहिए ना। ठीक है, रस आएगा, ठीक है, ओके। मैं मिटा रहा हूं, पिछला बार जो गलती हुआ था ना मैं उसी को सुधार दिया हूं, ठीक है। दरअसल क्या हुआ ना, पिछला बार बोया का माइक हम यूज कर रहे थे जो कि 1200 के करीब पड़ा था, ठीक है। वो यूज करते करते कब खराब हो गया पता नहीं लगा, ठीक है, मतलब कि उसको 10 दिन नहीं यूज किया हूँ, उसके बाद भी दूसरा माइक आया है तो उसी का मतलब कि नया वाला माइक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला, द गेम वाज कैंसिल्ड, एरर जल्दी बताइए, द गेम वाज कैंसिल्ड, द गेम वाज कैंसिल्ड, ठीक है, ओइंग टू, दो मिनट, कैंसिल्ड, ओइंग टू रेन, ओइंग टू रेन, ठीक है। मुझे कुछ इसमें लग रहा है ना सुधारना होगा, टू हैवी रेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगला तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है, अगला बहुत मजा आएगा।
डिस्क्राइब अबाउट हाउ यू डिड इट। अगला क्वेश्चन है, कैन बी ऑल डिस्क्राइब अबाउट हिम टू मी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेवरल पीपल डिस्क्राइब्ड, आज वोकैब का सेशन नहीं हुआ, ठीक है ना, हम बताते हैं क्यों नहीं हुआ है। सीइंग ए स्ट्रेंज लाइट ठीक है, स्ट्रेंज लाइट इन द स्काई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, द माइंड वाज डिस्क्राइब्ड अबाउट अस्टॉल एंड डार्क। लास्ट क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन मार्क बार बार क्यों दे, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब तो बहुत मजा आने वाला, अब बड़ी मजा आएगा, ठीक है, पढ़िए आराम से। आई अटेंडेड टू द सेम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। बहुत मजा आएगा, आराम से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। अगला, हाउ मेनी पीपल अटेंड टू मीटिंग एवरी संडे। संडे को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अगला, अंकिता अटेंडेड टू ए बेडिंग WEDDING। अगला क्वेश्चन, अटेंडेड टू द सेम यूनिवर्सिटी। जल्दी बताइए, गलती बताइए, आप लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पे दो तरह के आ गया एरर, नहीं, जल्दी बताइए, तीन चार तरह का आया है, ठीक है। अरे पढ़िए आराम से, ठीक है, मजा तो ही वे करेगा, ठीक है, क्लास रेगुलर होगा, एकदम टेंशन नहीं लीजिए, 25 दिन एकदम लगातार होगा, अब 20-25 लेक्चर जो वो करेगा प्रैक्टिस सेट का आराम से। चलिए, ड्यू टू का होगा सर, वो सही है और हमें कोई गलती नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, ओइंग टू ड्यू टू वाला हम बता देंगे। कल जो है ना, कल डाउट का सेशन रख देते हैं, ठीक है, कल डाउट का सेशन चलेगा, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे दो दिन बोले थे ना, तो कल सिर्फ सैटरडे को होगा और संडे को होगा, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे को चलेगा, नहीं सैटरडे संडे डाउट का सेशन था ना, तो कल डाउट का सेशन चलेगा, उसमें ड्यू टू और ओइंग टू वगैरह कवर कर देंगे। ठीक है जी, ओके, मैं आगे देखता हूं। ए बउआ, द गेम वाज कैंसिल्ड, को गलती यहां पे तो है ना, ओइंग टू हैवी रेन, ठीक है ना, समझिएगा। देखिए, ओइंग टू पूरा के पूरा ना प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो हैवी रेन अगर देखें तो प्रेपोजिशन का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई गलती नहीं इसमें। अरे बउआ, ओइंग टू बराबर होता बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, द गेम वाज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन, आप लोग उसको पढ़ते हैं पता है कि बिकॉज ऑफ गड़बड़ हो जाता, बिकॉज ऑफ होगा। ए बउआ, दूसरा चीज बता दे बाबू, ये तो बड़ी आसान है, डिस्क्राइब के साथ ना, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन केरो ना केरो बारे में करबे करेंगे, तो कहता है ग्रामर की डिस्क्राइब के साथ अबाउट का यूज नहीं होता है। कैन बी ऑल डिस्क्राइब, ए बउआ, डिस्क्राइब के साथ अबाउट का यूज होबे नहीं करता, एकदम जाति दुश्मनी है, तो हो जा कैन बी ऑल डिस्क्राइब हिम टू मी, कहानी समझ में आ रहा है, डिस्क्राइब हिम टू मी, ठीक है।
अगला समझिएगा, अगला सबरल पीपल। सबरल जो है ना बउआ एडजेक्टिव है, आ पीपल जो है ना यहाँ पे इन नाउन है। तो अच्छा सबरल, अच्छा नाउन कैसा प्लूरल नाउन है, तो इसका मतलब अगर पहले वाला जो एडजेक्टिव होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो सबरल का मतलब होता है बहुत सारा, तो बहुत सारा का मतलब अगर बाद जो नाउन होगा प्लूरल होगा, बहुत सारा नाउन होगा। तो सबरल पीपल डिस्क्राइब्ड, ठीक है ना, डिस्क्राइब्ड सीइंग अ स्ट्रेंज लाइट इन द स्काई। यार तो कोई गलती ये नहीं है, इसमें तो कोई गलती ही नहीं है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। सीइंग अ स्ट्रेंज लाइट इन द स्काई, इसमें कोई गलती मुझे नहीं लग रहा है। क्यों, सबरल पीपल डिस्क्राइब्ड सीइंग अ स्ट्रेंज लाइट, या स्ट्रेंज लाइट में कोई गलती नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, साफ पता लग रहा। आई अटेंडेड, ए बउआ अटेंड के बारे में पहले जान लीजिए, ठीक है ना। देखिए अटेंड के साथ सामान्यतः दो चीज होता है। अटेंड के साथ टू कब लगता है, जब अटेंड का मतलब हो जाएगा ना ध्यान देना तो टू लगेगा, और अटेंड का मतलब होगा शामिल होना तो टू नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए कि आई अटेंडेड द सेम कॉलेज, मैंने सेम कॉलेज में क्या हुआ अटेंड किया एंड यूनिवर्सिटी, तब मतलब हुआ कि वह कॉलेज में क्या किया, आई अटेंडेड द सेम कॉलेज, मैंने सेम कॉलेज को अटेंड किया, ठीक है ना, और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ध्यान देना नहीं हो रहा, अगर देगा ध्यान देना तो टू लगेगा, शामिल होना होगा तो नहीं होगा। हाउ मेनी पीपल अटेंडेड टू मीटिंग एवरी संडे, अब बताइए यहाँ पे अटेंड का मतलब की हो रहा है, यहाँ पे तो सब करा, कितने लोग थे अटेंड किए, अटेंडेड होना चाहिए टू मीटिंग, मीटिंग को एवरी संडे, नहीं 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 अटेंडे होगा बउआ, कहा क्या गया एवरी संडे दिया हुआ, प्रत्येक संडे एकदम हैबिचुअल एक्शन है, एवरी संडे प्रत्येक हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट एंड डेफिनेटेंस, समझ में आ रहा है ना, इसलिए अटेंडेड नहीं होगा। हाउ मेनी पीपल अटेंड टू मीटिंग एवरी संडे, ठीक है, यहाँ पे भी वही बात हो रहा है कि कितने लोग हैं अटेंड करते हैं मीटिंग को, है ना, एवरी संडे प्रत्येक रविवार को, ठीक है बाबू। यहाँ पे मीटिंग में शामिल होने की बात हो रही है, तो जब शामिल होने की बात होगा तो टू नहीं होगा, ठीक है, अटेंड के साथ टू नहीं लगेगा। कहानी समझ में आ रहा है। अंकिता अटेंडेड टू ए वेडिंग, यहाँ पे भी मिस्टेक लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, अटेंड के साथ टू कब लगता बताइए ना, जब ध्यान देने की बात होगा तो एकदम ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना, ठीक है। तो अंकिता अटेंडेड ए वेडिंग, तो अंकिता वेडिंग को क्या क्या ध्यान दिया, नहीं ना बाबू, कहने का मतलब हुआ अंकिता जो है ब्याह को वेडिंग को शादी समारोह को शामिल हुआ उसमें, तो शामिल होना होगा तो टू का यूज नहीं होगा। अंकिता चिल्ड्रन माने अंकिता के बच्चे, तो चिल्ड्रन हो जाएगा नाउन, है ना, अब प्लूरल नाउन, एक ठीक पहले अंकिता के साथ अपोस्ट्रोफी से लग गया तो हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो अंकिता चिल्ड्रन अटेंडेड द सेम यूनिवर्सिटी, सेम यूनिवर्सिटी को अटेंड किया मैंने, उसमें शामिल हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं, जब शामिल होने की बात होगा तो टू नहीं होगा, काहे कि कोई यूनिवर्सिटी को अटेंड नहीं कर, अटेंड मतलब कि उसको ध्यान नहीं देगा, ठीक है। पहले छापिए उसके बाद बताते हैं, जल्दी करिए, एकदम टेंशन नहीं लेना, मस्ती में पढ़ना, ठीक है, ठीक है ना, टू नहीं होगा, हाँ से आई अरे गुड मॉर्निंग वर्मा जी, शर्मा जी गुड मॉर्निंग, बहुत दिन के बाद प्रकट हुए हैं आप, चले छापिए पहले ओकर बाद समरी तैयार करते हैं। आ कल डाउट का सेशन है, मैंने कल से डाउट का सेशन चालू, ठीक है ना, 100 में 90 विद्यार्थी के, अरे रुक जाइए रुक जाइए, देवी और सजनों तनिक मरवा नाच गया, ठीक है, ओह सब रंग रूप दिख जाता है कि कौन कलर के पेंट है, उका हो ओहो, थोड़ा सा रुक जाइए, हम टेंशन नहीं लीजिए, रुकिए तनी, ठीक है, ओके बुआ इसको क्या हुआ, इसे खाए बोलते वॉइसवा तो ठीक है ना, चले ध्यान दीजिएगा, अरे वो माइकवा छोटा है, समझ रहे हैं कि ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है, चलिए देखिए इन्हें, चलिए 1000 सब्सक्राइबर पहुंचे दीजिए ना, आंधी तूफान ला देंगे, और टीचर कल या परसों से सबको ला रहे हैं, कल से या परसों से टोटल टीचर, ध्यान दीजिएगा देवी और सजनों। यहाँ पे हम कहना ये चाहते हैं कि देखिएगा ओइंग टू का यूज सामान्यता करते कहाँ पे, ओइंग टू, ठीक है,
सबसे पहला चीज की ओइंग टू जो है ना अपने आप में प्रेपोजिशन है, कहानी समझ में आ रहा है। दूसरा चीज कि ओइंग टू का हिंदी निकलता है के कारण, क्या निकलता है के कारण, और के कारण किसका इंग्लिश होता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ना बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ भी अपने आप में क्या है, ई भी अपने आप में प्रेपोजिशन है और ओइंग टू भी अपने आप में प्रेपोजिशन है। यानी ओइंग टू का हिंदी होगा के कारण और बिकॉज ऑफ का भी हिंदी होगा के कारण, यानी ओइंग टू के जगह पे बिकॉज ऑफ को लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ के जगह पे ओइंग टू लिख सकते हैं, समझिएगा। देखिए बिकॉज कंजंक्शन है ठीक है ना, और ऑफ प्रेपोजिशन है, लेकिन जब दोनों मिल जाता है ना तो दोनों का मतलब की होता है बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन का रूप धारण कर लेता है जिसका हिंदी होता है के कारण। तो ओइंग टू का सिनोनिम्स हो गया बिकॉज ऑफ, हम इसको लिख सकते हैं कि ओइंग टू इक्वल टू बिकॉज ऑफ, क्या लिखेंगे बिकॉज ऑफ, समझ में आ रहा है कि ना। और दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों प्रेपोजिशन है, इजाद से क्या है प्रेपोजिशन है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला बात, ये तो हो गया प्यार की बातें, अब समझिएगा एक और कांसेप्ट पर आए थे, याद करिए एकदम, जैसे प्रेपोजिशन शुरू हुआ था ना उस समय कि बउआ डिस्क्राइब वर्ड है, एक वर्ड जो है ना डिस्कस है और एक वो एक्सप्लेन है, हम बोले थे ना धैर्य रखिए कुल्ले प्रैक्टिस करवा देंगे। अच्छा कूल का एक अलग प्रॉपर्टी होता है, ये सब अपने आप बाद ना अबाउट लेता ही नहीं, कहते ना अबाउट से परहेज करेंगे, याद करिए ठीक है। सब देखे टोटल के टोटल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ठीक है। अब देखे अब अटेंड के बारे में भी बताए थे कि अटेंड के साथ टू नहीं लगता, हम इतना ही करवाए थे, लेकिन देखे अटेंड के साथ कब टू लगता कब नहीं लगता, अटेंड के साथ पहले कब टू लगता है ये देखेंगे। जब अटेंड का मतलब हो जाना टू डील विद, क्या हो जाएगा टू डील विद, या फिर जब इसी का मतलब क्या हो जाएगा टू टेक केयर ऑफ, क्या हो जाएगा टू टेक केयर ऑफ, नहीं बोल रहे थे ध्यान देना या फिर डील विद संबंध रखना, तो वैसे अवस्था में अटेंड के साथ टू लगेगा, लेकिन अटेंड के साथ टू कब नहीं लगेगा जब एकर मतलब होगा शामिल होना, क्या होगा शामिल होना ठीक है ना। अटेंड समझ में आ रहा है, किसी भी चीज में शामिल होना या फिर उसका पार्टिसिपेंट होना, पार्टिसिपेंट होना समझ रहे हैं ना, उसमें भागीदारी लेना, कहानी समझ में आ रहा है ना, भागीदारी लेना। तो वैसे अवस्था में अटेंड के साथ टू लगाने की जरूरत ना है, पहले यहां तक छापा उकर बाद आगे बता भाई, छापिए आराम से छापिए, हम डरे के नहीं है ठीक है। अगला तो बड़ी मजा आने वाला है ठीक है, बहुत मजा आने वाला है अगला, समरी तैयार करते जाएंगे एक बना लीजिए, और डाउट सेशन है बड़ी जल्दी बता देंगे ओइंग टू और ड्यू टू में की अंतर है, बड़ी देने से डाउट आ रहा है। अच्छा अरे बाप रे, कहला सर कौन सा कैमरा है जो, अच्छा मोटोरोला का कैमरा है। गुड मॉर्निंग मनीष, मतलब अच्छा दो मिनट रुक जाइए, हाँ तनी मनी बीचे में डिस्टर्ब होगा ठीक है ना, तनी मनी बीचे में हो जाएगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन करते रहिए ठीक है, कमेंट आएगा देखेंगे जवाब देवे करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लीजिए कि जवाब नहीं मिला, जवाब जरूर मिलेगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑफलाइन बैच आ रहा है बड़ी जल्दी, देखिए ऑफलाइन में ना पावर बूस्टर बैच आएगा, एकदम नाम दिए बड़ी बढ़िया पावर बूस्टर ठीक है, एकदम बैच आएगा। इसकी खासियत क्या ऑफलाइन के जो बता देते हैं बात हो जाता है गर्व, मतलब इसमें इसकी खासियत क्या होगा ना कि 100 सेट ई वाला लगवाएंगे ठीक है, एकदम 100 सेट, जैसी 100 सेट लगेगा ना तो 100 सेट लगेगा पीटी के लिए, तो कहिएगा कि सर एराम 25 क्वेश्चन आना चाहिए, तो ना एराम 25 क्वेश्चन नहीं रहेगा, कभी 50 क्वेश्चन रहेगा और कभी 75 क्वेश्चन रहेगा, तो पहले 75 क्वेश्चन वाला लगावेंगे और बाद 50 क्वेश्चन वाला। देखिए इसकी खासियत तो हम बोले कि पावर बूस्टर, मतलब इसमें जो है ना ग्रामर के साथ साथ वोकैब में इंक्रीज होगा, बेसिकली आप लोग की देखते हैं 25 नंबर के अगर आप सेट मार रहे हैं ना तो 15 से 20 आते आते, अगर जिसको इतना आता है ना तो वो तो नहीं आवेगा, कहीं 20 के बाद 22 नहीं आता है ठीक है ना, किसी को 22 से अगर 25 आ रहा है
तो उसको तो कोई दिखते नहीं, उसको तो आईवे करेगा, हमेशा आवेगा, चाहे पीटी रहे चाहे मेंस आवे, ठीक है। लेकिन देखिए हम उसको करें जिनका नंबर कम आता, 22 से 23 आता, सॉरी अब 20 से 22 आता, इतना ही, तो उसका 20 से 22 के बीच आता, 25 बारी काम आता है आ जाता है, तो उसको दिक्कत ना है, जिसको पीटी में दिक्कत ना है, मेंसों में दिक्कत ना, तो ये बैच उनके लिए है जिनका नंबर हमेशा काम आता 15 से 20, मतलब उस कितनों सेट मार ले 15 से 20 से और ज्यादा आ ही नहीं सकता, उसके लिए पावर बूस्टर बैच, समझ रहे हैं ना। हाँ कि नंबर इसमें देखा 50 नंबर के अगर आपको 200 नंबर अगर शुरू में आता था टेंशन नहीं लीजिए, कम से कम 45+ आ जाएगा सेट अंतिम होता था, 50 क्वेश्चन वाला इसका टोटल सेट जो है 50 हुआ, 75 क्वेश्चन वाला इसका जो टोटल सेट है 75 हुआ, लेकिन कुल सेट आप लोगों को 100 गो लगवाएंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को दे दिया जाएगा, आप लोग घर में बनाइए, दिक्कत होगा तो पूछिएगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद जैसी पावर बूस्टर बैच खत्म होकर बाद सीधा सीधे मेंस के बैच आ जाएगा, मेंस के कोई पीटी नहीं, सीधे मेंस, पीटी के सेट मारे की जरूरत नहीं। अच्छा पीटी में आप लोगों को दिक्कत कहाँ होगा, कहिए सर एररवा कैसे होगा सर, तो जब लाइव क्लास चलावेंगे ना 1000 सब्सक्राइबर हो भी दीजिए, खाली एरर का प्रैक्टिस करवाएंगे, एरर करवाएंगे प्लस इंप्रूवमेंट करेंगे, एरर इंप्रूवमेंट का प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। एक दिन में एकदम 25 क्वेश्चन एरर उठाएंगे 1996 से, जय अमर जन्म हुआ था 1996 से चलेगा एरर इंप्रूवमेंट, ठीक है। कहीं एरर चलेगा, कहीं इंप्रूवमेंट चलेगा, कहीं फिलर चलेगा, कहीं क्लोज टेस्ट चलेगा, इसे करके, ठीक है। एकदम टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पावर बूस्टर बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ऑफलाइन वाला, बड़ी मजा आएगा, 50 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन। खैर छोरी वो हुआ ज्ञान की बात है, तनी जल्दी जल्दी एरर बना दीजिए तो मजा नहीं आ जाएगा, तब कहिएगा, ठीक है, आराम से। चलिए अब तनी दे देते हैं एरर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आई इंटर्ड इनटू द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बी इंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स, सॉरी सिर्फ पॉलिटिक्स लिखना होगा, POLITICS, ठीक है। अगला है यू इंटर्ड ENTERED इनटू पार्लियामेंट। अगला IBU, ही, ठीक है, ही इंटर्ड इनटू द चर्च। अगला चलिए IBU ही हुआ, ही के बाद सी, 2 मिनट रुक जाइए, और बड़ी गर्मी लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं सही से, ठीक है ना। लिखा हुआ पहले इतना का जवाब दीजिए, उसके बाद और क्वेश्चन देते हैं, इसी से रिलेटेड दूंगा, ठीक है ना। सी इंटर्ड ठीक है, इन एन एग्रीमेंट, ए बउआ वो चीज़ बोले, इनटू और इन का यूज पढ़ लीजिए, एक बार हम बड़ी बढ़िया से पढ़ा वाले, ठीक है ना। अगला देखिए, ही सी हो गया, ईट भी नहीं, ईट के को जो राज इंटर्ड इन नेगोशिएशंस NEGOTIATIONS, माने मोल मोलाई करना, सौदा करना। अगला राज के बाद दे देते हैं नंदनी इंटर्ड ENTERED इंटर्ड इनटू द कॉलेज कहिए तो बड़ी इजी वाला। तब देखिए अब जो क्वेश्चन हमको तो करवाना काम है, इजी भी टफ भी, ठीक है ना। अब हो जाए काजोल इंटर्ड इन द कॉलेज विद अजय देवगन लिख देते हैं, है कि नहीं, अजय देवगन। अच्छा अगला लिखिए देओल इंटर्ड, काजोल के बाद क्या दे दे, अच्छा दे ही तो अब बच रहा है, दे इंटर्ड इनटू
द यूनिवर्सिटी, तो लगता लिख दिए ना। हाँ लिखा गया है। तो दोस्त पहले यहाँ तक आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आपको करवाते हैं। हालांकि दो क्वेश्चन और करवाया जा सकता है, तो लिखिए दो क्वेश्चन। प्लीज डोंट बी एंग्री, आ गया ना, देखिए आया कि नहीं। तब प्लीज डोंट बी एंग्री, प्लीज डोंट बी एंग्री एट हर, ठीक है। अगला राज फेल्ट एंग्री विद द इनजस्टिस, कभी भोपू की आवाज जाएगा तो माफ करिएगा, इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन, ऑफ द सिचुएशन। जल्दी बताइए किधर पर गलती है, जल्दी बतावा तो। चलिए ध्यान दीजिएगा, कमेंट देख लेते हैं, कमेंट में गायब हो जाता, मजे नहीं आता है। एसी काला लगावे जी। अच्छा इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट सही जवाब है, एंग्री एट द इनजस्टिस ये भी लग रहा है सही है, ठीक है ना। और भी देख लेता हूँ, काजल क्वेश्चन देख लिए हैं, ड्यू टू हैवी वाला इस सप्ताह से लेकर अगला सप्ताह तक डाउटी वाला क्लियर कर दे, एकदम टेंशन आई लीजिए। शुरू हो जाएगा, सब बैच अनूप सर के आएगा, ठीक है। इंटर्ड इन पॉलिटिक्स ऐसे कैसे, इंटर के चलिए अच्छा अच्छा ऐसा बात ओके ध्यान दीजिएगा देवी और सजनों, आराम से टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। कमरवे हिल जाता है जी बार बार, इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। आवाज़ तनी बढ़िया जाना चाहिए, ठीक है, तब ना मजा आएगा पढ़ावे में। 2-3 घंटा जब हम लगातार पढ़ाएंगे, देखिएगा ए दोस्त पहले इंटर के बारे में समरी एजे पर तैयार कर देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा हालांकि अगर यहाँ पे तैयार नहीं होगा, देखिए इंटर का मतलब होता क्या, देखिए इंटर का मतलब दो चीज होगा, ठीक है। इंटर का मतलब होता है वो प्रवेश करना, क्या होता है प्रवेश करना, जब इंटर का मतलब निकले ना प्रवेश करना, तो ठीक है ना, तो इसके साथ इंटू नहीं लगाइएगा, ठीक है। लेकिन जब इंटर का मतलब हो जाए शामिल होना, की हो जाए शामिल होना, तो इसके साथ आपको इंटू लगाना पड़ेगा, की लगाना पड़ेगा इंटू लगाना पड़ेगा। एंग्री का प्रॉपर्टी समझ लीजिए, सेम चीज, एंग्री के साथ एट कब लगता है, एंग्री के साथ विद कब लगता है, जब एंग्री के बाद पर्सन आ जाए, क्या आ जाए पर्सन आ जाए, तो उस पर्सन के पहले एट लगेगा, नहीं ना गड़बड़ हो गया माफ करिएगा, गड़बड़ हो जाता हम बोले ना, जब थिंग आएगा तो उस थिंग के पहले एट लगेगा, लेकिन जब एंग्री के बाद क्या आ जाए कोई पर्सन आ जाए तो उस पर्सन के पहले की लगेगा विद लगेगा। कहानी समझ में आ रहा है, यही पूरा कहानी है। अब देखिए इंटर इनटू द यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी में इंटर किए, इसका मतलब इंटर में सॉरी आप यूनिवर्सिटी में प्रवेश किए, अगर आप प्रवेश किए तो इंटर के साथ इंटू नहीं लगेगा, इंटू इंटू क्या होगा नहीं लगेगा, ठीक है। काहे नहीं लगेगा, चलिए एक ठोस सबूत बता देते हैं। इंटर का एक सिनोनिम्स होता है बउआ कम इंटू, क्या होता है कम इंटू, या फिर इंटर का मतलब भी होता है गो इंटू, समझ में आ रहा है ना। इंटरे का मतलब होता है इंटू, अगर इन्हें वो इंटू लगा दीजिएगा तो उन्हें भी इंटू लगेगा, तो डबल प्रीपोजिशन का दोष आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इंटर का मतलब ही होता कम इंटू और गो इंटू। दे इंटर्ड इंटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में इंटर लिए, सही है कि गलती है जल्दी बताइए। हाँ तो यहाँ पे भी गलती होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी इंटर के साथ इंटू लगाने की जरूरत नहीं। देखिए आप लोग अपना मत दे सकते हैं, ठीक है ना, एकदम दिक्कत ना है। यू इंटर्ड इनटू ए पार्लियामेंट, आप पार्लियामेंट में इंट्री इंटर की भाई, अच्छा अच्छा रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, धैर्य रखिए। इंटर के साथ इंटू का यूज नहीं करते हैं, करते हैं तो कब, जब शामिल होना होगा तो, लेकिन इंट्री के साथ इंटू का यूज करते हैं, इंट्री के साथ इंटू का यूज करते हैं। कहानी समझ में आ रहा, इंटर अपने आप में उपभोग है और यहाँ पे इंटर अपने आप में क्या है नाउन है, समझ में आ रहा है। तो यू इंटर्ड इंटू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आप इंटर किए भाई, इंटर करना माने आना जाना, तो इंटू का यूज नहीं होगा, ठीक है। ही इंटर्ड इंटू द चर्च, देखिए चर्च में आना जाने की बात होगा तो इंटू नहीं लगेगा, आने जाने
है ना, सी इंटर्ड इन एन एग्रीमेंट। हाँ आप एग्रीमेंट से आइएगा आ जाइएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा ना इंटर के साथ इन टू लगेगा, इन लगा ले खाली टू लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगा इंटर इन टू का मतलब क्या हो जाएगा, शामिल होना। तो हो जाएगा सी इंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट, तो वह जो है एक एग्रीमेंट में एक संधि में क्या हुई, शामिल हुई। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? हाँ चाहे नहीं बताइए। देखिए अगला, समझ में आ रहा है अगला, राज इंटर्ड इन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, मोल मोलाई, ठीक है। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिएगा, मोल मोलाई। जब बात होगा मोल मोलाई का, तो मोल मोलाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे मोल मोलाई नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। राज इंटर्ड इन नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन में वह इंटर किया, ठीक है। तो इंटर मतलब नेगोशिएशंस में वह जो है शामिल होने का सेंस देगा, इसलिए इंटर के साथ यहाँ पे इंटू लगाना पड़ेगा, ठीक है। नंदनी इंटर, ए बउआ कॉलेज में नंदनी इंटर की, माने इंटर की माने कॉलेज में प्रवेश की, प्रवेश की, तो इंटर के साथ इंटू नहीं लगेगा, ठीक है। इंटर्ड इन द कॉलेज, कॉलेज में इंटर किया, ए भाई कॉलेज में काजोल जो है इंटर की, भाई इंटर की माने की होगा शामिल हुई, शामिल हो सॉरी माने प्रवेश की, प्रवेश की, तो इंटर के साथ इन टू और इन लगाने की जरूरत। किसके साथ हुई था, अजय देवगन के साथ हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जाएगा क्लास। प्लीज डोंट बी एंग्री एट हर, अच्छा एंग्री, ए बउआ एंग्री के बाद देखे तो हर पर्सन है, क्या ही पर्सन है, अगर पर्सन है तो पर्सन माने साथ में, साथ में तो ऐट नहीं बल्कि की होगा बीद होगा। अगला एंग्री के प्रॉपर्टी आपको तो पते है ना, राज फेल्ट एंग्री, है ना, विद द इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन। देखिए इस एरा में केजो पर पर्सन आपको दिख रहा है, सिचुएशन पर्सन है ना, सिचुएशन का इनजस्टिस, तो इनजस्टिस तो नहीं है, अरे बउआ इनजस्टिस माने यहाँ न्याय, सर ये तो पर्सन है, अब पर्सन है तो बीत के जगह पे ऐट चिपका दीजिए, एंग्री के साथ ऐट लगा, पहले यहाँ तक छापिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं, जल्दी करिए, पहले आराम से छाप लीजिए, ठीक है। हाँ बार्गेनिंग होता है, ठीक है, बोले बार्गेनिंग होता है, चलिए मजा आ गया नहीं, पहले छापिए तो आप लोग जल्दी जल्दी, दो मिनट कहाँ गया, जल्दी करिए। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट जा रहा है, देखिए पॉलिटिक्स तो प्लेस है ना, अब प्रवेश तो करेगा पॉलिटिक्स में, उस हिसाब से देखें तो इंटर के साथ इंटू होगा, ठीक है ना, बी इंटर्ड इंटू पॉलिटिक्स, समझिएगा। अरे भाई प्रवेश कहाँ पे करिएगा, कोई प्लेस में ना, अब पॉलिटिक्स जो है कोई प्लेस है बताइए तो नहीं ना, पॉलिटिक्स में जाके शामिल हो जाता है, दल बदलू समझते हैं ना, कभी पॉलिटिक्स में शामिल होगा कभी वो पॉलिटिक्स में शामिल होना होगा, इस यहाँ पे इंटू का यूज होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे इंटू का यूज होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ रहे। अरे भाई पॉलिटिक्स तो कोई प्लेस नहीं ना कि प्रवेश करेगा, पॉलिटिक्स में कोई जाके शामिल होगा, इसलिए यहाँ पर इंटर के साथ इंटू लगाना पड़ेगा, ठीक है, सुन रहा है ना तू, चलिए ऐसी अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग जवाब देते जाइए। हाँ ठीक है, बोल पॉलिटिक्स में तो कोई शामिल होगा, कोई प्रवेश थोड़ी ना करेगा, चलिए ठीक है, हाँ जी सही बोल रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, एकदम टेंशन नहीं ली, तो इसमें देखिए मैं समरी तैयार करने की जरूरत नहीं था, दो था दो गो समरी तैयार कर दिए, ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, झूठ मूठ के काला ज्यादा समरी तैयार करे, ठीक है ना, एक कंसेप्चुअल प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है ना, कंसेप्चुअल छोटा बोर्ड है ना, इसीलिए छोटे वो एरर चल रहा है, लेकिन जब बड़का बोर्डवा होगा तो रहा में और बड़का वो प्रैक्टिस होगा, ठीक है, आराम से चलिए, बड़ी सॉफ्टली मिट जाता है। अगला लिखिएगा, आहा, आई केम बाय फुट, कहते ना बाय फुट माय फुट, तो लीजिए बाय फुट, ठीक है, रोहित केम माय फुट, अब कहे सर ये कौन सा बात हो रहा है, बाय फुट माय फुट, तो लग रहा है गरियाबे का बात हो रहा है ना, चलिए आराम से जवाब दीजिए तो मजा आ जाएगा।
अगला मनीष बेंट टू कॉलेज बाय फुट विद मनीषा। तब पढ़ाई बढ़िया होगा, मनीष के साथ मनीषा है कि नहीं। अगला बापू, अब बापू लिखे कि पप्पू लिखे समझ में नहीं आता, देखते हैं। अस्टेज्ड डांडी मार्च, डांडी का डी कैपिटल दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मार्च का भी दीजिएगा, मार्च एम ए आर सी एच, मार्च का एम कैपिटल दीजिएगा, माय फुट तो एकदम आंधी तूफान आ गया ना, सुने में बड़ी बढ़िया लगता, माय फुट बाय फुट, तब टेंशन नहीं लीजिए। लेट अस गो एकदम माय फुट से पर दे देगा, बाय फुट, लेट अस गो बाय फुट, कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ रहा है ना। अगला लिखिए बी आर गुड ऑफ लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है आई एम गुड विद माय जॉब। कई अक्सर एजा पर ऑफ लगाते, जहाँ पर बिद लगा दीजिए, बिद के जगह पर ऑफ लगा दीजिए, आप लोग ऐसी तो दिमाग वाला लगाते होंगे ना। अगला रोहित इज गुड एजा पर ऑफ लगाएगा, जहाँ पर बिद लगाते, जहाँ पर हम कुछ डाल देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा लिखा देते हैं एट फाइंड चीप फ्लाइट्स। ठीक है, अगला राजू इज सीनियर देन सिंपी। अगला क्वेश्चन है देवा इज जूनियर देन विष्णु एंड पार्वती। देखिए यहाँ पे विष्णु पार्वती दोनों के दोनों लड़का, ऐसा नहीं समझ लिया कि विष्णु लड़की या पार्वती क्या है और लड़की है ना, दोनों के दोनों यहाँ पे मेल हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नहीं विष्णु तो लड़की नहीं, दोनों के हम लड़की मान लिए, विष्णु पार्वती, ठीक है। शंकर पार्वती लिखते तब बढ़िया होता, खैर छापिए कोई दिक्कत नहीं, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, जल्दी करिए। गुड इन आए तो मजा आ गया सी साहब, अरे ऑन फुट बहुत बढ़िया काजल जी, गुड एट अच्छा सी साहब ठीक है, आई केम ऑन फुट अच्छा, अरे पूछिए ना जी की लगल है। अच्छा पॉलिटिक्स सिंगुलर है, कन्या पॉलिटिक्स सिंगुलर, हाँ जी पॉलिटिक्स सिंगुलर है, ठीक है ना। नाउन वाला भी सब्जेक्ट वाला एग्रीमेंट का वीडियो देखे ना, पॉलिटिक्स के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ाए हैं। आराम से देख लीजिए ठीक है ना, एकदम टेंशन आए लीजिए। ए बउआ देखिए ये हम बतावे के कुछ चीजें ने कही है, कही से फुट के देखिए बाय फुट ने ऑन फुट एक फ्रेजे होता, ऑन फुट माने पैदल, आई केम ऑन फुट मैं पैदल आया, रोहित केम ऑन फुट रोहित पैदल आए, ठीक है एकदम फ्रेज के जैसा काम कर। मनीष बेंट टू कॉलेज, मनीष कहे कहाँ गए कॉलेज गए, ऑन फुट माने पैदल, समझ में आ रहा है ना, विद मनीषा मनीषा के साथ। देखिए बापू स्टेज डांडी मार्च, बापू जो है डांडी मार्च स्टेज किए ठीक है ना, ऑन फुट माने पैदल, ठीक है स्टेज माने होता धरना देना, समझ रहे हैं कि नहीं। अगला लेट अस गो ऑन फुट, ऑन फुट माने पैदल, कितना अच्छा है देखिए, तो लेट अस गो हमें जाने दो, ऑन फुट माने पैदल। अच्छा लेट के प्रॉपर्टी बता देंगे, अच्छा लेट के प्रॉपर्टी एज पर बता देते हैं। देखिए बउआ लेट के बारे में पहले जान लीजिए ठीक है ना, नहीं जानिएगा तो गड़बड़ है ठीक है। लेट जो है सबसे पहले ये अपने आप में यहाँ पे V1 है, अरे भाई सेंटेंस की शुरुआत V1 से करते हैं, ना कि V2 से ना कि V3 से, ठीक है चले सामान्यतः V1 से करते हैं। देखिए लेट का तीन प्रॉपर्टी है ठीक है, कि लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद V1 चाहिए, V1 समझ रहे हैं ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ई कब होता एक्टिव वॉइस में ठीक है, एक करे इसका पैसिव जब बनाते हैं
तो लेट के बाद तो ऑब्जेक्ट ट्रावे करेगा प्लस बी थ्री, ठीक है, समझ में आ रहा है पैसी हुआ। लेकिन इसका एक और होता है, ठीक है ना, जिसको हम थोड़ा सा अलगे दे रहे हैं, इसको घर में दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगता है प्लस बी प्लस नाउन। अब कहिए सर ई कैसा, सर ई दोनों तो पढ़े ही नहीं पढ़े। जैसे आप देखिए ना, अब दो गो औरत खड़ी है, ठीक है ना, और एगो लड़का पसंद आ गया, तो लड़का पसंद औरत के किन के लिए होगा, अपन बेटी लेगी, तब औरत की कहेगी, दो गो औरत है, लड़का वा एक गो नौकरी वाला है, समझ रहे हैं ना, तो औरत यह की कहेगी कि वो हमर दामाद बनथिन, वो हमर दामाद बनथिन, तो वही है लेट मी बी क्या हो जाएगा, लेट मी बी, अब आगे क्या हो जाएगा, अब आगे लगा दीजिए माई हस्बैंड, हर हस्बैंड, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड, समझ रहे हैं ना, मुझे उसका पति बनने दो, तो लेट मी बी क्या हो जाएगा, अब हर हस्बैंड या हिज हस्बैंड क्यों होता, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। फिलहाल समझिएगा, लिखा हुआ बी आर गुड। देखिए दोस्त, गुड का एक अलग प्रॉपर्टी है कि गुड के साथ एट का यूज होता है, जो कि एक फिक्स प्रेपोजिशन है। बी आर गुड एट लैंग्वेज हम लोग भाषा में अच्छा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। गुड एट का मतलब योग होता है या निपुण होता है, हम लोग भाषा में अच्छा है कहने का मतलब हम लोग भाषा में निपुण है, हम लोग भाषा में योग्य हैं उसके। आई एम गुड एट माई जॉब, गुड के साथ एट ही लगेगा, ठीक है, मैं अपने नौकरी में क्या हूँ, योग हूँ, मैं इस नौकरी के क्या हूँ, योग हूँ। राज रोहित इज गुड एट, देखिए गुड के साथ एट लगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एट प्रेपोजिशन है ना दोस्त, अब प्रेपोजिशन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आता है, चौथा रूप आता है, तब फाइंड के जगह पे की करना होगा फाइंडिंग, समझ में आ रहा है कि ना। आप प्रेपोजिशन के बाद जिरंडियल फॉर्म का यूज होता है, तो फाइंड का जिरंड फॉर्म क्या हुआ, आप फाइंडिंग होगा, समझ में आ रहा है। ए बउआ ये तो वेरिएशन है, जेकर वर्ड में ओवर लगा रहे तो सुनियर, सीनियर, जूनियर, तो टू लगा दीजिए, ठीक है, तो ओवर लगा हुआ था जूनियर, तो जूनियर के साथ दैन नहीं बल्कि की लगेगा, टू लगेगा। और आगे की पढ़े, पहले छापिए, इतना आराम से छापिए, तो छापिए, ठीक है, पहले छापिए तो एकदम। अभी एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर दे देते हैं, सीनियर प्लस जूनियर टू, बहुत बढ़िया। हाँ लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस कहे आता है, जे बता दें, ए भाई लेट जो है ना भी वन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द भाव है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द भाव जो है ना किसी भी, अच्छा भी वन, भी टू, भी थ्री, भी फोर, भी फाइव, कोई सेंटेंस में मेन भाव के काम करता। अब मेन भाव के बाद वो ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव के समझ में आ रहा है, मेन भाव को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, समझे। चलिए दो तीन कंसेप्ट और बता देंगे, देखिए छोटा वाला भी एरर बताएंगे और टब वाला भी एरर बताएंगे, धैर्य रखिए, ठीक है ना, लेवल टू चल रहा है ना, हर तरह के एरर आएगा, बहुत सारा रिपीट भी करेगा, तो एग्जाम रिपीट करेगा तो हम भी तो रिपीट करेंगे ही, ठीक है, एग्जाम रिपीट करेगा तो हम भी तो रिपीट करेंगे ना, समझ में आ रहा है। एकदम संडे लेट मी बी हर हस्बैंड, समझ, हर हस्बैंड नहीं हिज हस्बैंड होगा, ठीक है, इस तरीके से लेट मी बी हिज बॉयफ्रेंड, लेट मी बी हर गर्लफ्रेंड, ऐसे करके, ठीक है। बी एफ जी एफ, बी एफ माने क्या होता है, बोजोम फ्रेंड, लंगोटिया यार, और जी एफ माने क्या होता है, ग्रैंड फादर, ठीक है। ए बउ अबरी जो दो गो एरर देंगे ना एकदम मजा आ जाएगा, नहीं ना एरर नहीं देते हैं, ठीक है, पहले समझ लीजिए। बाबू ऑन फूट, ऑन फुट का मतलब पैदल होता है और अपने आप में ये फ्रेज की भांति काम करता है, ठीक है, ऑन फुट। जबकि गुड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि देखिए गुड के साथ सामान्यतः हम एट का यूज करते हैं, गुड के साथ किसका यूज करते हैं, एट का, तो गुड एट होता क्या, तो देखिए, तो गुड एट जो होता है, गुड एट का मतलब होता है योग होता है, क्या होता है, योग होता है या फिर निपुण होता है, क्या होता है, निपुण होता है, ठीक है। अच्छा अब प्रश्न ये उठता है सर, गुड के साथ अगर एड लगेगा तो क्या बैड के साथ एट लग सकता है, बैड के साथ भी क्या लगेगा, एट लगेगा, ठीक है, तो इसका योग, तो इसका योग नहीं समझे, इसका योग तो इसका क्या हो जाए, अयोग, ठीक है, अनिपुण का उल्टा खुद ही हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब समझिएगा अगला इंपॉर्टेंट है, जिस वर्ड के अंत में ओआर लगा हुआ रहे, ठीक है ना, तो सामान्यतः उसके साथ टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसे सीनियर, अच्छा इस, अच्छा इस सब के सब ना अपने आप में एडजेक्टिव है, जिस वर्ड के इस सब क्या है, एडजेक्टिव है, तो इस सब का नाउन नहीं समझ लीजिए, क्या है, एडजेक्टिव, हम बता देते हैं, सीनियर, जूनियर, ठीक है ना, समझते हैं ना, इन्फेरियर, इन्फेरियर माने एकदम खराब, बेकार, बत्ता, सुपेरियर एकदम सर्वोच्च,
ये तो लग रहा है एंटोसाइनो क्लियर हो रहा है। सीनियर के उल्टा जूनियर, इंफीरियर के उल्टा सुपीरियर, ठीक है ना। प्रायर माने पहले, ओवर लगा हुआ है कि नहीं देखिए आराम से, अंतिम में ओवर लगा लेता है टू लगेगा। प्रायर अगर आ जाए एंटीरियर, ए एन टी ई आर आई ओ आर, तो ओवर लगा है तो की लग जाएगा टू प्रीपोजिशन, ठीक है ना। एंटीरियर हो गया, अगर आ जाए पोस्टेरियर, पी ओ एस टी ई आर आई ओ आर, सर की दिक्कत है सर, ओवर लगा हुआ है ना सर, तो टू ही लगेगा, कोई दूसरा का नाम नहीं आएगा। अल्टीरियर, यू एल टी ई आर आई ओ आर, बउआ अगर ओवर लगल है ना बउआ तो टू लग तो, ठीक ना, ओवर लगल है तो टू, ओवर है 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 टू, पहले छपी इतना के। ये हो गया हमारा समरी तैयार, ठीक है, छपा छपिए आराम से। कल का जो एरर होगा थोड़ा सा लंबा चौड़ा एरर होगा, ठीक है, जो होमवर्क मिल रहा है ईमानदारी से बनाइए, जल्दी करिए। ओके, टेक योर टाइम प्लीज। कमेंट उमेंट तो इवे नहीं करता है, सब गायब हो गए हैं कि? अरे दोस्त 21 लोग देख रहे हैं, तो 21 लोग एटलीस्ट लाइक का बटन तो दबा दीजिए, जल्दी करिए लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। तनि अब होमवर्क दे देंगे, ठीक है ना, होमवर्क मिल दे देते हैं, नेक्स्ट होमवर्क जल्दी। काजल आप देख रहे हैं, हाँ या ना, चलिए मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ओके, समझिएगा, अभी लिखिएगा, कुछ एरर है ज्यादा नहीं, दो चार एरर और दूंगा उसके बाद खत्म। दिस क्लॉथ इज इनफेरियर, इनफेरियर, ठीक है ना, इनफेरियर टू दैट क्लॉथ, टू दैट क्लॉथ, ठीक है। अगला लिखा हुआ है दिस टी शर्ट इज, दिस टी शर्ट नहीं याद आके लिखा आता होगा, लिख ला टी शर्ट, टी प्लस शर्ट बराबर टी शर्ट, ठीक है। दिस टी शर्ट इज इनफेरियर, ठीक है, लिखिए दिस टी शर्ट इज इनफेरियर का उल्टा सुपीरियर, सुपीरियर टू दैट टी शर्ट। अगला लिखिएगा ड्यूरिंग द वीक, यही बस यही दो चार को एरर मिलेगा, अब एरर नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द वीक झूठ मूठ के कहा ला दे, अब अगला दिन चलेगा। प्रायर टू द मीटिंग देर वाज कंफ्यूजन, देर वाज कंफ्यूजन, जल्दी करिए, चलिए दो चार गौर नहीं देते हैं, ठीक है ना, दे देते हैं। लिखिए आई कैन वॉक, नहीं ना आज का क्लास यहीं तक होगा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। देखिए हम बता देते हैं, दिस क्लॉथ इज इनफेरियर टू दैट क्लॉथ, आपको लग रहा होगा सर क्लॉथ सिंगुलर है तो इज लगा हुआ, सर क्लॉथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्यों, क्योंकि इसके ठीक पहले सिंगुलर एडजेक्टिव लगा हुआ, कहे सर इनफेरियर के साथ टू लगा हुआ सर दिक्कत ना है, लेकिन बउआ इसमें दिक्कत है, दिक्कत ही है बउआ, समझिएगा, यहाँ पे भी क्लॉथ था और यहाँ पे भी क्लॉथ था। आप जानते हैं ना कि किसी भी सेंटेंस में दो बार नाउन को नहीं लिखा जाता, सेम नाउन को नहीं लिखा जाता, एजो पर क्लॉथ है को एजो पर क्लॉथ, ठीक है, सिंगुलर, तो देखिए तो होता क्या है, समरी यहाँ पे तैयार कर देते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रोकने के लिए, ठीक है ना, बन का यूज होता है, अब प्लूरल काउंटेबल नाउन को रोकने के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन को रोकने के लिए बंस का यूज किया जाता है, बंस, नहीं ना रुके तो बंस, दो मिनट रुक जाइए। दिस क्लॉथ इज इनफेरियर टू दैट क्लॉथ, हाँ ठीक है, नहीं ना अभी खाली अभी यही वाला पढ़ेंगे करवा, है ना, देखिए तो सिंगुलर नाउन है तो इसलिए आप एक क्लॉथ नहीं बल्कि क्या होगा बन लगेगा दैट वन, ठीक है ना। दिस टी शर्ट इज सुपेरियर टू दैट टी शर्ट, फिर वही बात है, टी शर्ट दो बार आया हुआ, देखिएगा तो सिंगुलर नाउन है तो दूसरा का पहला बार तो नाउन का यूज होगा और दूसरा का बाद नाउन के जगह पे क्या होगा बन का यूज होगा, बन प्रेपोजिशन है, सॉरी
ये है प्रोनाउन है वो समझिएगा इसमें ड्यूरिंग द वीक्स, देखिए सुपीरियर के साथ टू लगा है कि ना, प्रायर के साथ टू लगा है कि ना, ये राम को गलती ये ना है, लिखिए ड्यूरिंग द वीक्स, ठीक है दो मिनट लेट मी सी, थोड़ा सा मुझे देखने दे, ड्यूरिंग द वीक, हाँ ड्यूरिंग द वीक प्रायर टू द मीटिंग देयर वाज कन्फ्यूजन, कोई गलती एरा में नहीं है, ठीक है, देयर वाज कन्फ्यूजन, देयर तो सही है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वाज कन्फ्यूजन ओरिजिनल सब्जेक्ट है, बस अब आप हमें इजाज़त दीजिए जाने के लिए, ठीक है, और बता देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, होमवर्क दे देते हैं पहले, आप लोग की करिएगा लेवल टू, ठीक है ना, लेवल टू, लेवल टू एक से लेकर 29 तक बना लीजिएगा, मतलब 29 तक हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, तो 29 तक बना लीजिएगा, ठीक है, जो लोग नहीं बनाए वो एक से बनाइएगा, जो लोग बना लिए एक से लेकर 20 तक वो आगे 29 तक बनाइएगा, ठीक है, तो बस अब इजाज़त दीजिए जाने के लिए, अब आप लोगों को सभी लोगों को जय हिंद, सबको जय हिंद, कल जरूर रहिए, कल बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, होमवर्क मिला ना खुशबू जी, चलिए काजल प्रेजेंट है यही है, चलिए ठीक है रोहित, आवाज़ ठीक जा रहा है रोहित की नहीं, काजल आवाज़ जा रहा है, खुशबू जी आवाज़ जा रहा है बढ़िया या नॉर्मल जा रहा है, देखिए आवाज़ थोड़ा बढ़िया जाना चाहिए तब ना मज़ा आएगा, ठीक है ना, एकदम पढ़े लेके तैयार रहिए, 1000 एरर, सबको जय हिंद, ठीक है ना, सबको जय हिंद, ठीक है, सबको जय हिंद।